फार्म महाराष्ट्र के व्यापारियों के लिए सदैव उनके हर समस्याओं के निदान में फार्म का रोल जग जाहिर है। आज देश बदल रहा है, मोदी के पद चिन्हों पर चलकर फार्म भी बदल रहा है। नई टेक्नोलॉजी, नए कलेवर के साथ पिछले दिनों मुंबई में फार्म के नई टीम का गठन हुआ। डायनामिक टीम के साथ फार्म का नया प्लेटफॉर्म तैयार है। महाराष्ट्र के लगभग 700 व्यापारिक संस्थानों की प्रतिनिधि है फार्म, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र। फार्म ने अपने वेबसाइट को नए सिरे से अत्याधुनिक बनाया। इस अवसर पर फार्म के सभी पदाधिकारियों का यूनिक क्लब चौपाटी पर गेट टुगेदर हुआ। इस अवसर पर पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बात शुभ समय के माध्यम से व्यापारियों के हितों की रक्षा हेतु बात कही एवं आने वाले फार्म के कार्यक्रम की जानकारी दी। डेस्क रिपोर्टर साइली सावंत, शुभ समय ऑनलाइन न्यूज चैनल, मुंबई। फार्म की एक नई टीम बनी है जनवरी 2016 से, जिसके 39 नए सदस्य हैं। एक महाराष्ट्र की संस्था ऐसी संस्था है जो 1979 से बनी हुई। आज हमारे आदरणीय मोदी जी ने एक नया उत्साह और उमंग की एक प्रवाहित हमारे बीच में एक संचार किया है, उत्साह और उमंग का, कि देश बदल रहा है तो फार्म भी वाइब्रेंट होकर बदल रहा है। आज हमारी नई टीम आई है, फार्म में भी एक बदलाव की प्रक्रिया बनी और इलेक्शन के बाद एक नई और पूरी यंग टीम आई हुई है। उनकी सोच और समझ भी नई दिशा में खूब अच्छे कार्य करने की है। आने वाले दिनों में फेडरेशन के लिए मैं खूब सब कहना चाहता हूँ। 1979 में एस्टैब्लिशमेंट हुई ये फार्म फेडरेशन ऑफ इंडियन महाराष्ट्र, व्यापारियों की समस्या से इसका जन्म हुआ। उस टाइम सेटेक्स की जो लड़त हुई शुरुआत, हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट श्री ललित भाई मेहता ने इनका स्थापना किया है। उसके बाद उत्तर उत्तर सभी प्रेसिडेंट आए और व्यापारी समाज की समस्याओं को बड़ी पैमाने पे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास या नेशनल लेवल पे इस समस्याओं को रजूआत किया, उसको सुना, समझा और सुलझाने की चेष्टा की। फार्म का काम वन फॉर ऑल फॉर वन, सबके लिए फार्म है और फार्म सबके लिए। और आने वाले दिनों में फेडरेशन ऑफ एजेंट महाराष्ट्र नवंबर महीने में सवा 2016 मेगा बिजनेस परिषद ऑल ओवर महाराष्ट्र के व्यापारियों की आयोजित करने जा रही है, जिसमें हम आदरणीय मोदी जी को आमंत्रित किया हुआ है। सीएम सर आएंगे, देवेंद्र फडणवीस जी और सेंटर के काफ़ी मिनिस्टर और डिग्नेटरीज को बुला के इस संसद को हमारा एक ही माध्यम है, मेक इन इंडिया इन महाराष्ट्र, जो हमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और इंडिया ने दिया है, उसको उद्देश्य को लोगों तक पहुँचाने की ये माध्यम द्वारा कोशिश करेंगे। और अपने द्वारा ये माध्यम हमारी सारी चीज़ों को पहुँचाने की चेष्टा करेंगे। मैं आज विजन के हिसाब से नई चीज बना रहे हैं और हम एक बहुत बड़ा अधिवेशन महाराष्ट्र का कर रहे हैं, और अधिवेशन के अंदर हम सोचते हैं कि बड़े बड़ा पीएम है, सीएम है, ऐसे लोग को इनवाइट करके अच्छे में अच्छा अधिवेशन करें और वो अधिवेशन के हिसाब से फार्म की प्रगति आगे बढ़े, ऐसे हमारी भावना है। हाँ, ऐसा है, आज जो फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन एक मीटिंग, वो हमेशा आगे बढ़े और व्यापारियों की सेवा में रहे, ऐसे ही मेरी शुभकामना है। जय हिंद। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी संस्था फार्म, जो आज देश बदल रहा है और ये ट्रैक पे फार्म बदल रहा है अर्थात आधुनिक टेक्नोलॉजी की तरफ, जिस तरह से आज आपने देखा यहाँ पर नई वेबसाइट लॉन्च हो गई है, नए तरीके से आयाम तैयार हो गया है। सारे के सारे आप जो पदाधिकारी देखते हैं फार्म के, एक कर्तव्यनिष्ठ और निष्ठा के साथ में जुटे हुए हैं। व्यापारियों को कहीं भी तकलीफ होती है, कोई भी मुश्किल होती है, चाहे LBT की हो, उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है, चाहे GST का कोई प्रॉब्लम हुआ है, उन्होंने भी अभी उन्होंने कमर कसी है, जैसा कि आपने इन्होंने सुना अभी उससे पहले आपने। और शुभ समय न्यूज चैनल में पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। वादा करता हूँ कि व्यापारियों के लिए शुभ समय सदैव सदैव साथ रहा है और हम आप में और आप हमारे में, इसी विश्वास के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, मोहनलाल मोटरमल ज्वेलर, एंटी कुंदन डायमंड, राजस्थानी रजवाड़ी ब्राइडल कलेक्शन का अक्षय खजाना, मोहनलाल मोटरमल ज्वेलर शोरूम, नियर बैंक ऑफ इंडिया, जवेरी बाजार, मुंबई 2। PSC इंजीनियरिंग कंपनी, एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स डीलर्स एंड सप्लायर्स, ऑल इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, स्टेनलेस स्टील, डुप्लेक्स स्टील, सुपर डुप्लेक्स स्टील, मोनल इनकोनल एंड एलॉय स्टील, सीट्स, प्लेट्स, कॉइल, चेकर प्लेट, पाइप्स एंड पाइप फिटिंग। PSC इंजीनियरिंग कंपनी, सलीमपुर चौक।